दोस्तों गुड मॉर्निंग। सईद भेंट क्लब 1M में आपका फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं। बहुत दिनों के बाद एक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। यहां पे मैं आपको जो पशु दिखा रहा हूं, ये हमारे फार्म के अंदर का पशु है। इसका बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से, जो इस ईंट पे बैठती है उसकी वजह से इसके पैर में आगे का दर्द हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही थी। गाय को चलने में दिक्कत आ रहा था, खान पान थोड़ा सा कम खा रही थी। उसके लिए हमने जो इंजेक्शन यूज़ किया था उसके बारे में आज पूरी डिटेल्स देंगे, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो हम इंजेक्शन जो है यूज़ किए थे आर्टिजोन एस के बारे में आप लोग नाम तो सुना होगा, लेकिन यूज़ के बारे में आप लोग नहीं जाने होंगे। तो आज मैं पूरा डिटेल्स के साथ इसका यूज़ हम बताएंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना डोज हम लोग को देना चाहिए और कहाँ पे इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं होगा, वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पहले मैं इसका बताते चलूँ कि कहाँ पे दर्द हुआ था। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये खुर के पास, वो खुर के पास ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसमें मोच आ गया था। मतलब किसी तरह चलने में या उठने में किसी तरह दर्द हो गया होगा। खैर, तो उसमें हमने आर्टिजोन एस यूज़ किया। आर्टिजोन यूज़ कब किया जाता है, इसमें कंपोजिशन क्या है मैं बता दूँ, फेनाइल बूटाजोन एंड सोडियम सेलिक्लेट है। इसका जो कंपोजिशन है ये है। अब मैं बता दूं इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सूजन, आपस में लड़ गए, चोट लगने, फीवर में भी दे सकते हैं, या आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, सूजन, पशु को चलने में दिक्कत है, इसमें दे सकते हैं। मसल फट जाना, यानी किसी तरह आपका पशु गिर जाता है, किसी कारण मसल फट जाता है, तो उसमें भी अगर दर्द रहता है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। या किसी कारण जल गया हो, जलने की वजह से उसमें दर्द होता है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। फ्रैक्चर कर गया हो, यानी किसी तरह पैर इसका टूट गया हो, उसमें भी आप दे सकते हैं। इसका डोज कितना होना चाहिए मैं बता दूं, ये हमारा पशु जो है ये लार्ज एनिमल है, इसका लगभग 500 केजी बॉडी वेट होगा। तो इसमें हमने 20 ml यूज़ किया था। और इस तरह के आपके पशु है, यानी 400 से 500 है, 350 है, तो इसमें आप 20 ml दे सकते हैं। और इससे यदि कम है, यानी 250 से 400 समथिंग है, तो उसमें आप 15 ml दें, और उससे भी कम है तो 10 ml दें। और फिर बकरी है चाहे छोटा बच्चा है, उसमें आप 5 से 10 ml तक दे सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ है, ये प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं अब कौन से पशु को नहीं देना है। जैसे हमारी गाय प्रेग्नेंट पशु है और उसका पेशाब में लाल रक्त आता हो, यानी खून आता हो, तो उस पशु को नहीं देना है। लंपी डिजीज़ में भी आप नहीं दे सकते हैं, या कोई अन्य वायरल डिजीज़ हो उसमें भी आपको नहीं देना है। ये सब में सेफ़ नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।